राजस्थान में भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची का इंतजार कर रहे नेताओं को लगा करारा झटका। दरअसल राजस्थान के चयनकर्ताओं और नेताओं के द्वारा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई सूची को लेकर कई तरह के सवाल या निशान उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान के कदावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का टिकट चयन प्रक्रिया को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने टोडा भीम से पार्टी द्वारा भेजे गए राम निवास मीना के नाम को लेकर सवाल या निशान उठाए। उनका कहना है कि जो व्यक्ति ईआरसीपी का नेतृत्व कर रहा है, जो कभी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, उसका नाम पार्टी की ओर से भेजे गए पैनल में प्रमुखता से रखा गया है। जाहिर सी बात है, इस तरह के नाम से स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, साथ ही इस तरह की प्रक्रिया पर भी सवाल या निशान उठते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के खिलाफ भी इसमें गंभीरता से आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि रामनिवास मीना का नाम टोडा भीम से भेजने के पीछे भरतपुर संभाग के दो नेताओं का नाम सामने आ रहा, जिन पर पैसे लेने की सिफारिश का भी आरोप है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने कहा कि जिस तरह से सूची में नाम भेजे गए हैं, जो पैनल राजस्थान से भेजा गया है, इससे पूरी चयन प्रक्रिया में संदिग्ध और संदेह के घेरे में नजर आती है। आखिरकार प्रदेश के नेताओं में सर्वे या दूसरे आधार पर जो नाम भेजे हैं, उनकी सिफारिश बगैर किसी जानकारी के कैसे दे दी गई। इसलिए पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन नामों पर फिर से विचार करे और जिन लोगों ने इस तरह के काम में पैनल भेजे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। माना जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना की इस शिकायत के बाद भाजपा की पहली सूची अटक गई है, वह नवरात्रों के बाद ही जारी होगी। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने भी इसको गंभीरता से लिया है और पूरी जानकारी जुटा रही है। आखिरकार जिन नेताओं को विद्वानों के चयन प्रक्रिया का जिम्मा सौंपा गया था, वह इस तरह की गैर जिम्मेदारी रवैया क्यों कर रहे हैं, अपना रहे हैं, यह सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है।